दोस्तों आईपीएल साल 2022 के मेगा ऑक्शन को अब ज़्यादा समय नहीं बचा। हम सभी को 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। ऐसे में टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से डेली ही काफी सारी अपडेट्स आ रही है और आज भी मैं सभी को आरसीबी की टीम की दो बड़ी अपडेट बताने वाला हूं। पहली अपडेट जुड़ी आरसीबी की टीम के नए फिनिशर को लेकर, साल 2022 में आरसीबी की टीम का कौन होगा नया फिनिशर, और दूसरी अपडेट आरसीबी की टीम के कोचिंग स्टाफ को लेकर आ रही है। तो अगर आप लोग को ये दो अपडेट जाननी है तो आप लोग वीडियो को देखिएगा बिल्कुल। दोस्तों आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन से पहले ही जल्द ही आरसीबी की टीम का ट्रायल कैंप बेंगलुरु में शुरू होने जा रहा है। हम सभी को इसी महीने के लास्ट में आरसीबी की टीम का ट्रायल कैंप देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आरसीबी की टीम के आज के अपडेट्स की, और पहली जो अपडेट है वो जुड़ी है आरसीबी की टीम के नए फिनिशर को लेकर। साल 2022 में आरसीबी की टीम से कौन होगा फिनिशर, इसको लेकर ये बड़ी खबर है। दोस्तों आईपीएल 2021 में आरसीबी की टीम की फिनिशिंग काफी बड़ी समस्या रही थी, एक बड़ी वीकनेस बनके सामने आई थी, और एक अच्छा फिनिशर ना होने के कारण आरसीबी की टीम काफी मुकाबले हारी भी थी। लेकिन अब साल 2022 में आरसीबी की टीम ये गलती नहीं करेगी और मेगा ऑक्शन में किसी तगड़े फिनिशर को टीम में शामिल करने वाली है। बात करें उन दो नामों की जिनको आरसीबी की टीम फाइनल कर चुकी है कि मेगा ऑक्शन में आरसीबी की टीम की नजर में ये दो खिलाड़ी रहेंगे, तो पहला नाम है हार्दिक पांड्या और दूसरा नाम है शाहरुख खान। दोनों ही प्लेयर इंडियन है और साथ में जबरदस्त पावर हिटिंग दोनों खिलाड़ी करते हैं। हार्दिक पांड्या की बात करें तो अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम सभी को इनका पता है जब फॉर्म में आते हैं तो किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। बात की जाए शाहरुख खान की तो अभी तो चारों तरफ इन्हीं की बातें चल रही है। विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी आईपीएल टीमों की नजर इन पे मेगा ऑक्शन पे रहने वाली है, जिनमें से एक आरसीबी की टीम भी रहेगी, शाहरुख खान या फिर हार्दिक पांड्या। ये दो वो भारतीय नाम है जिनको आरसीबी की टीम एक फिनिशर के तौर पर टीम में शामिल कर सकती है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। आप लोग कॉमेंट करके अपनी राय बताइए कि आप लोग इन दोनों में से किस खिलाड़ी को आरसीबी की टीम की जर्सी में अगले साल देखना चाहोगे, या आपके मन में कोई और ही नाम है, आप लोग कॉमेंट करके राय जरूर देना। बात की जाए आरसीबी की टीम की तरफ से आज आ रही दूसरी बड़ी अपडेट की, तो आरसीबी की टीम के कोचिंग स्टाफ को लेकर आ रही है। तो आईपीएल 2022 के लिए आरसीबी की टीम एक नए बैटिंग कोच को पिक करने वाली है। साल 2021 में संजय बांगर आरसीबी की टीम के बैटिंग कोच थे, लेकिन अब वो हेड कोच बन चुके हैं, यानी कि बैटिंग कोच के जो स्पॉट है वो अभी भी खाली है। और इसके अलावा आरसीबी की टीम एक असिस्टेंट कोच और एक बॉलिंग कोच को भी शामिल करेगी। और दोस्तों आप सभी को पता है हरभजन सिंह अब आईपीएल से रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब अगले साल यानी कि आईपीएल 2022 में इसी टीम का कोचिंग करना पसंद करेंगे। और आईपीएल 2022 में आरसीबी की टीम के बॉलिंग कोच और कोई नहीं बल्कि हरभजन सिंह हम सभी को नजर आ सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग हरभजन सिंह को आरसीबी की टीम में ऐसा बॉलिंग कोच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग अपनी राय जरूर देना। और ऐसे ही आरसीबी की टीम की न्यूज से अप टू डेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा।